हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत, और आज बेटा हम आपको भी इसी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 81 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा ट्राई पेप्टाइड। हमने बेटा पेप्टाइड क्या होती है ये पढ़ लिया था। पेप्टाइड्स में हमने डाइपेप्टाइड पढ़ लिया, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राई पेप्टाइड। लिखेंगे बेटा हम, जब एमिनो एसिड्स के तीन मोल्स आपस में संयोग करते हैं, जब एमिनो एसिड्स के तीन मोल्स बेटा आपस में संयोग करते हैं तब ट्राई पेप्टाइड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, H2N CHRCOOH, एक मोल एमिनो एसिड ये है, दूसरा मोल HNH CH2COOH, दूसरा मोल एमिनो एसिड का ये है, तीसरा मोल HNH CH2COOH, तीसरा मोल बेटा ये है। अब जब तीन मोल संयोग करेंगे कितने वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, एक वाटर मॉलिक्यूल बेटा यहां से ये निकलेगा। तीन तीन एमिनो एसिड आपस में संयोग करेंगे तो सदैव दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, -2H2O। अब बना आपका H2N CHR CO, यहां NH, यहां CH2, यहां फिर CO, यहां फिर NH, यहां फिर CH2, यहां COOH। ठीक, एक पेप्टाइड ये बना रहा है, एक पेप्टाइड ये बन रहा है, बेसिकली दो पेप्टाइड बॉन्ड है लेकिन कहला रहा है ये ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड नाम एमिनो एसिड्स के मोलों से आया है, ना कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, सदैव याद रखना। ये कहलाएगा बेटा ट्राइपेप्टाइड। अब यहां पर ये एमिनो एसिड हमने एक जैसे ले लिए हैं बेटा, दो एक जैसे ले लिए, तो ये तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा पॉलीपेप्टाइड, हेडिंग डाल दीजिए पॉलीपेप्टाइड, हेडिंग डाल दो बेटा पॉलीपेप्टाइड। ये है पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड कब बनते हैं बेटा, जब एमिनो एसिड्स के एन मोल्स, या आप कह सकते हैं जब एमिनो अम्लों के अनिश्चित का मतलब यहां पर संख्या में बहुत ज्यादा,
अनिश्चित। जब बेटा एमिनो अम्लों के अनिश्चित मोल, अनिश्चित मोल यानी कि एन मोल्स आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तब पॉलीपेप्टाइड बनते हैं या बनती है, तब पॉलीपेप्टाइड बनती है। ठीक है, एग्जांपल दिखा रहे हैं। देखिए आप नोट कर लो, एन मोल ले लिए मतलब अनिश्चित मोल ले लिया हमने एमिनो अम्ल के, एस टू एन सी एच आर सी ओ एच, ये एन मोल ले लिए हमने अनिश्चित यानी कि बहुत सारे हैं। तो यहां पर एस टू ओ कितने निकलेंगे, एन माइनस वन, कितने बेटा एन माइनस वन या एन माइनस टू, एन माइनस वन, एक एस टू ओ कम निकलता है, माइनस एन माइनस वन मोल एस टू ओ के निकलेंगे। ठीक, जितने यहां मोल लिए हैं एमिनो एसिड के उससे एक का मोल एस टू ओ रिलीज होंगे, बनेगा बेटा एच टू एन सी एच आर सी ओ, फिर ये एन एच, फिर क्या है सी एच आर, और ये क्या है सी एच आर सी ओ, इस तरह से ये सी ओ एन एच सी ओ एन एच आगे भी ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये दिख रहा है ये एन मोल, कितने एन मोल ये बने हैं, ये लिए हैं, ये एन माइनस वन एस टू निकल गए तो कितने एन माइनस टू, यहां पर ये पेप्टाइड लिंकेज बनेगी एन माइनस टू, एन माइनस टू मोल्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पॉलीपेप्टाइड, ये हो गया पॉलीपेप्टाइड। आगे भी चेन जोड़ सकते हैं, एन एच उसके बाद में सी एच टू उसके बाद में सी ओ ओ एच, चलो सी ओ ओ एच, इस तरह से यहां दिखा दिया हमने तो। ठीक है, यहां दिखा दिया। ठीक है, अब देख लो बेटा नेक्स्ट, ये हो गया आपका पेप्टाइड खत्म। पेप्टाइड में हमने डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड देख लिया। अब देखते हैं एक एमिनो एसिड्स के कितने सिरे होते हैं, एक एमिनो अम्ल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो लिखेंगे एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्लों, एमिनो एसिड्स में टू टर्मिनल, दो टर्मिनल, टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है बेटा, कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट वन इज, पहला टर्मिनल है एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल है बेटा सी टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। अब बेटा एन टर्मिनल किसे कहेंगे और सी टर्मिनल किसे कहेंगे, क्वेश्चन यहां है। ठीक है, एन टर्मिनल क्या होता है और सी टर्मिनल, तो देखें जरा एन टर्मिनल और सी टर्मिनल।
लिखेंगे पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स बोल सकते हैं एमिनो एसिड को, क्योंकि एमिनो एसिड्स आपस में जो जुड़े होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, तो हमने सीधा लिख दिया पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में बेटा जिस सिरे, सिरे को कहते हैं एंड, जिस एंड पर फ्री मतलब मुक्त, जिस सिरे पर फ्री NH2, जिस सिरे पर फ्री NH2 ग्रुप होता है, मुक्त NH2 ग्रुप होता है, फ्री NH2 ग्रुप होता है, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, एन टर्मिनल कहलाता है, एन टर्मिनल कहलाता है, एन टर्मिनल कहलाता है, एन टर्मिनल कहलाता है। अब बात आई बेटा सी टर्मिनल की, तो सी टर्मिनल कौन सा कहलाता होगा, जिस सिरे पर मुक्त COH ग्रुप। तो लिखेंगे सी टर्मिनल में पेप्टाइड्स, यहां से सोच लो पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में बेटा जिस एंड पर, जिस सिरे पर फ्री, जिस एंड पर फ्री COOH, फ्री COOH ग्रुप, मुक्त COOH ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, सी टर्मिनल कहलाता है, सी टर्मिनल कहलाता है, सी टर्मिनल कहलाता है, क्या कहलाता है, सी टर्मिनल, जिस पे, जिस एंड पर बेटा फ्री NH2 ग्रुप होगा एन टर्मिनल, और जिस सिरे पर फ्री COOH ग्रुप होगा सी टर्मिनल। एग्जांपल देख लीजिए आप, H2N, H2N मतलब NH2 ग्रुप हो गया, CHR CO NH CO NH CHR COOH, एक एंड ये एंड है और एक एंड ये एंड है, एक एंड ये है बेटा और एक एंड ये है आपका, इस एंड पर फ्री NH2 ग्रुप है और इस एंड पर फ्री COOH ग्रुप है, तो ये एन टर्मिनल हो गया, एन टर्मिनल, और ये सी टर्मिनल हो गया, सी टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल हो गया, हो गया। तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।